हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ के बारे में। आज बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के बारे में, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के बारे में। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। अवैध दवाओं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक अगुवाई करता है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग क्राइम। 1997 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के विलय के माध्यम से स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय 1957 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के विलय के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। यह क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। यह सदस्य को अवैध ड्रग अपराध और आतंकवाद के मुद्दों पर समाधान करने में मदद भी करता है। बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के कार्यों के, तो इसमें तीन कार्यों के तीन स्तंभ हैं। अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कार्य, इसमें ड्रग्स और अपराध के मुद्दों की जानकारी और समझ बढ़ाना, साथ ही नीति और परिचालन निर्णयों के लिए साक्ष्याधार का विस्तार करना आदि शामिल है। सामान्य कार्य की बात करें इसमें, तो सामान्य कार्य में प्रशासनिक अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ का अनुसमर्थन और कार्यान्वयन, ड्रग्स अपराध और आतंकवाद पर घरेलू कानून के विकास और संधि आधारित और शासी निकाय के लिए सचिवालय मूल सेवाओं की प्रावधान तय करने में राज्यों की सहायता करना इसका दूसरा सामान्य कार्य है। तीसरा, क्षेत्र आधारित तकनीक की सहयोग परियोजनाएं, इसके माध्यम से अवैध ड्रग्स अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की क्षमता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यह निम्न क्षेत्रों में मदद भी करता है। संगठित अपराध, अपराध और तस्करी, सरकारों को अस्थिरता और अवैध ड्रग्स, हथियारों, प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी जैसे अपराधों के कारण होने वाली असुरक्षा पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। भ्रष्टाचार, सरकार राष्ट्रीय सीमाओं और व्यापारिक चैनलों पर भ्रष्ट व्यक्तियों की पकड़ को कम करने के लिए UNODC सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के साथ साझेदारी करता है। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के न्याय में सुधार, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ड्रग एंड क्राइम प्रशिक्षण नियमावली के उपयोग और आचार संहिता और मानकों एवं मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि आरोपी, दोषी और पीड़ित सभी एक आपराधिक न्याय प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं। मशीनी दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और स्वास्थ्य, शैक्षणिक अभियानों और वैज्ञानिक निष्कर्षों पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि युवा अवैध दवाओं का इस्तेमाल ना करें, ड्रग आश्रित लोग इलाज करवाएं और सरकारी नशीली दवाओं के इस्तेमाल की को स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में देखें, ना कि अपराध के रूप में। आतंकवाद की रोकथाम, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में शामिल लोगों की सहायता के लिए UNODC अधिक प्रोग्रामेटिक
दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय सॉरी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आगे हम बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के बारे में।